गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का और उसमें आता है जीएस, तो हर बच्चा जिससे मार खाता है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर अगर आपको अपना मजबूत करना है और अच्छे से उसको एग्जाम में निकालना है तो उसकी डेली क्लास करनी पड़ेगी। और डेली क्लास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली सुबह 7 बजे आप इस टाइम को नोट कर लीजिए, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, तो 7 बजे आप लोग आ जाए करिए, क्योंकि ये क्लास आपको उसी समय तुरंत मिल जाए करेगी। तो अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास बिना समय को गवाए। और एक बात याद रखिए कि जब ठान लिया है तो फिर करना है, और करना है तो सुबह 7 बजे जगना है किसी भी तरह करके और क्लास में आ जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जूनोटिक रोगों, तो जब आपको पहले क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले क्वेश्चन का ही पोस्टमार्टम कर दिया करिए ताकि उससे बनने वाले सारे पॉसिबल क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, हाल ही में भारत में जूनोटिक रोगों, ये जूनोटिक रोग क्या होता है, ठीक है। एक होता है यहां जानवर, ये जानवर ले लीजिए, ठीक है, ये कोई जानवर हो गया, ठीक, ये जानवर है। जब इस जानवर से कोई डिजीज इंसानों में चली जाती है, ठीक है, ये है इंसान, ये स्पाइक्स कट इसके, ठीक है, जब कोई डिजीज इंसानों में चली जाती है तो उस डिजीज को बोलते हैं जूनोटिक रोग। क्या बोलते हैं, जूनोटिक रोग। अब इस रोग से बचने के लिए, इस रोग के संक्रमण को कम करने के लिए, और जानवरों और मानव दोनों के स्वास्थ्य में अधिकाधिक वृद्धि हो या फिर रोग की अधिकाधिक क्षति हो या फिर उनको रोगों को कम किया जा सके, उसको बचाया जा सके, इसके लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार को लोन दिया है। क्या दिया है, लोन दिया है। अच्छा, कितना, कितने रुपए का लोन दिया है, तो 82 मिलियन डॉलर, 82 यानी 82 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन। अच्छा देख लीजिए, 82 मिलियन क्या हुआ, 82 हो गया, ठीक है। अब 1, 10, 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1,00,000, ठीक है, और 10 लाख, इतना हो गया, ठीक है। इतने कितना, इतने मिल, इतने डॉलर का लोन दिया है। इसको रुपए में कन्वर्ट करना हो तो जो भी अभी उसकी वैल्यू चल रही हो 80 की समथिंग, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने रुपए का लोन दिया है। अच्छा, लोन जब लेते हैं तो उसकी कोई अवधि होती होगी, उस अवधि को क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी टाइम, यानी कि वो जब लोन है वो कब पूरा परिपक्व हो जाएगा, उसको लौटाना पड़ेगा। लोन लिया तो लौटाना पड़ेगा ना, उसीलिए तो देशों ने अपने पोर्ट बेच दिए, तो लौटाना पड़ेगा। लौटाने के लिए जो अवधि है वो कितने वर्ष की है, तो वो है 11.5 ईयर की, 11.5 वर्ष की अवधि दी गई है। किसके लिए, जूनोटिक रोगों के लिए जो लोन दिए गए, तो किसने दिया है, विश्व बैंक ने दिया है। अच्छा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जो कि 1939 से चल के 1944 तक गया था, और उसके बाद खत्म हुआ था, तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। किस सम्मेलन के द्वारा हुई थी, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। कहां पे है, वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कहां है, अमेरिका में है। अच्छा, इस बैंक का कोई और भी नाम है, अगर ऑप्शन में विश्व बैंक ना दिया हो तो दिया होगा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस समय विश्व बैंक के जो हेड है, अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है, वो भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है अजय बंगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। जो अभी आर्थिक समीक्षा आई थी 2022-23 की, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है, निर्यात मतलब जिसको ज्यादा सामान बेचता है, तो भारत अपने पड़ोसियों को ज्यादा सामान बेचता है कि दूर वालों को? तो आप इतना जान लीजिए कि दूर वालों को सामान ज्यादा बेचा जाता है, पास वालों से तो खरीदा जाता है, ठीक है। तो ये अपना सामान भारत जो सबसे ज्यादा बेचता है वो बेचता है अमेरिका को। किसको भेजता है? अमेरिका को, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे किसको भेजता है? दूसरे नंबर पे भेजता है यूएई, यूएई को भेजता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे किसको भेजता है? तीसरे नंबर पे भेजता है नीदरलैंड। किसको भेजता है? नीदरलैंड। भारत चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादक और सबसे ज्यादा उपभोक्ता वाला देश बन गया है, ये बात भी याद रखिएगा। मछली पालन में तीसरे नंबर पे, दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे नंबर वन पे भारत है। दूसरे और राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। भारत सर्वाधिक आयात करता है। सर्वाधिक आयात करता है तो किस देश से सबसे ज्यादा सामान खरीदता है? आपके घर में सबसे ज्यादा सामान किस चीज के भरे होंगे? चाइना के। तो सबसे ज्यादा सामान मंगाता है चाइना से। सबसे ज्यादा सामान भेजता किसको है? दूसरे नंबर पे यूएई को ना, तो दूसरे नंबर पे यूएई से ही सबसे ज्यादा सामान मंगाता है यूएई। अच्छा, सबसे ज्यादा सामान अमेरिका को भेजता था, तो तीसरे नंबर पे अमेरिका से सबसे ज्यादा सामान मंगाता है। अब उतना दूर से सामान मंगाएगा तो लाने का भी तो खर्चा पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आए चक्रवात, क्या नाम था चक्रवात का? मोचा। मोचा कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में, जो कि म्यांमार के पास के रखाइन वाले इलाके में तबाही मचा दिया। तब उस तबाही से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? अब देखिए, आपको ये जितनी चीजें जाननी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो जान लिया तो एग्जाम निकल जाएगा। और अगर पीएचडी करनी, मतलब अगर आपको न्यूज पढ़नी है तो आप अखबार पढ़ सकते हैं, तो आपको तमाम पता चल जाएगा किसकी चप्पल खो गई, किसका क्या खो गया, किसी का पर्स खो गया, जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो इतना जान लीजिए कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो ऑपरेशन चलाया गया है करूड़ा। कौन सा चलाया गया है? ऑपरेशन करूड़ा। यहां पे किस चक्रवात के लिए चलाया गया? मोचा। अब एग्जाम में पूछ देता है कि मोचा नाम रखा किसने? सब देशों ने मिलकर टीम बनाया कि अब चक्रवात आएगा तो मैं नाम रखूंगा, अगला वाला आएगा तुम रखना, वो अगला वाला आएगा तुम रखना। तो इस बार जो मोचा नाम रखा गया है, ये रखा गया है यमन के द्वारा। आपने नाम सुना होगा लैला मजनू, तो उसमें जो मजनू है उसका नाम, जो असली नाम था वो था कैस, और जो कैस था वो यमन का राजकुमार था, ठीक है। तो ऑपरेशन करूड़ा, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किसने चलाया था? ऑपरेशन दोस्त जिसने दोस्ती निभा दी भारत ने तुर्की और सीरिया के लिए, जो भारत का हमेशा विद्रोह या विरोध करते रहते थे। कभी भी G20 की मीटिंग हो रही है, यूएन यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हो रही है, तो भारत का विरोध करते थे कि 370 क्यों हटा दिया, मतलब हमेशा विरोध किया जाता था तुर्की और सीरिया के द्वारा। लेकिन जब मदद की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले भारत पहुंचा। अब तुर्की और सीरिया भी समझ गए हैं कि इंडिया की अगर मदद नहीं की जाए या इंडिया का सपोर्ट नहीं किया जाए तो उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। तुर्की और सीरिया में भूकंप आए थे, कहां पे, किस देश में? तुर्की प्लस सीरिया में भूकंप आए थे, तो वहां के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकाला गया था जब रूस ने उस पे अटैक कर दिया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन कावेरी, सूडान से फंसे हुए भारतीयों को, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें भारतीय ना पहुंचे हो, ठीक है। लगभग 44,000 भारतीय पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, ठीक है, वो भी भारतीय नागरिकता से, और जो वहां की नागरिकता ले लिया उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में आरबीआई, आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त कर दिया है? भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से 2000 की नोट लीगल टेंडर नहीं है। आपने आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया रहा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री साहब है वो इस समय विदेश दौरे पे गए, और ना ही कोई ऐसी ट्वीट आई, और ना ही कोई वित्त मंत्रालय के द्वारा भी कोई ट्वीट आया, जो कि पहली बार आया करता था, ठीक है। तो पहले 2000 की नोट लाया गया कि इससे जो है वो काला धन
वापस चला जाएगा। और फिर 2000 का नोट इसीलिए कैंसिल कर दिया गया कि 2000 का नोट ही काला धन बन गया है, ठीक है। तो अब बाकी आपको अपनी थिंकिंग है, ज्यादा स्किप में नहीं जाते, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही है। और अगर पूछ दे कि किस नोट में जीपीएस पाया नहीं जाता है, ठीक है, मतलब अफवाह उड़ी थी वो 2000 के नोट में थी, अब उसे खोजने की भी जरूरत नहीं क्योंकि नोट जा रहा है। तो 23 मई से 30 सितंबर तक की अवधि दी गई है, जिसको भी नोट वापस करना है वो कर सकता है, और जिसके पास है ही नहीं उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बताओ हम लोग के पास 2000 की नोट आई नहीं और इधर नोट बंद भी हो गई, ठीक है। हाल ही में, अच्छा पहली बार नोटबंदी कब हुई थी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो हुई थी 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 की नोट बंद कर दिए गए थे, उनको रिप्लेस करके दूसरी 500 और 2000 की नोट आई थी। क्या ये अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ था? तो नहीं, 1948 में 5000 और 10000 की नोट को बंद कर दिया गया था, उसे फिर 54 में शुरू कर दिया गया था और फिर 78 में बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए। हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक डिजिटल लर्निंग के लिए बनाया गया है, ये किस राज्य में बनाया गया? उत्तराखंड। कहां बनाया गया ये? उत्तराखंड में ये योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में NIA, ठीक है, NIA, N से नेशनल, I से क्या होता है देखिए, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन, जब 2008 में ताज होटल पे अटैक हुआ था तो NIA की स्थापना की गई थी। NIA की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि कोई भी आतंकवादी हमला हो, आतंकवादी दस्ते आए, उनको निश्चय नाबूद करने के लिए, उनको खात्मा करने के लिए एक यमराज की टीम बनाई गई थी, और उस यमराज की टीम का नाम क्या रखा गया? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, जैसे कि सीबीआई काम करती है, जैसे अमेरिका में एफबीआई काम करती है, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्होंने चलाया गया है ऑपरेशन ध्वस्त, क्या चलाया है? ऑपरेशन ध्वस्त, ताकि आतंकवादियों को, गैंगस्टरों को, ठीक है, आतंकवादियों को, गैंगस्टरों को, ड्रग तस्करों के नेटवर्क को खत्म किया जा सके, ठीक है। और यह सामाजिक शांति के लिए बहुत आवश्यक है। अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट, इन सब के आगे लगा है ऑपरेशन। ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा, ताकि जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से घुसपैठ को रोका जा सके। ऑपरेशन दोस्त, अभी मैंने बताया ऑपरेशन दोस्त चलाया है कहां के लिए? तुर्की प्लस सीरिया से लोगों को, जहां पे भूकंप आए थे वहां के लोगों को बचाने के लिए। गरुड़ चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। अच्छा, सीबीआई के द्वारा चलाया गया तो किसके लिए चलाया गया? ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है गरुड़, ठीक है। इसके बाद है मेघचक्र। मेघचक्र मतलब क्या है? मेघ मतलब होता है बादल, और इसमें समझ लीजिए कि बुरी चीजें, ठीक है, बुरी चक्र। तो इसमें क्या था? ये भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। और ये जो बच्चों के इलीगल वीडियोस होते हैं, प्राइवेट वीडियोस होते हैं, या फिर कुछ अभद्र या अपमानजनक वीडियोस होते हैं जिन्हें सर्कुलेट किया जाता है, उसको रोकने के लिए व्हाट्सएप के द्वारा जो इलीगल सर्कुलेशन होता है उसको रोकने के लिए चलाया गया था। नार्कोस, ये भी ऑपरेशन है। आप नार्कोस समझ सकते हैं कि ये किसके लिए होगा? ड्रग के लिए होगा। तो नार्कोस चलाया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन रेलवे के द्वारा। ये नशे की, मैं यानी ड्रग की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। फिर ये मिशन अमानत। अमानत क्या होता है? अमानत तो किसी के घर का भी नाम है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा, ठीक है, आपके सामान, खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए। किसके लिए? खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए। रात में 8 बजे के बाद आप किसी भी ट्रेन के डिब्बे में, उसमें पुलिस वाले आएंगे, आरपीएफ वाले, और आपसे बोलेंगे कि खिड़की के पास बैठ के मोबाइल ना चलाना। क्यों? क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में फिर बचेगी नहीं।
इसका मतलब है कि सामान गायब होते हैं और सामान गायब होते हैं और ये बात आप भी जानते हैं, तो उसी से बचने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन भी नाम है, मिशन भी है, ऑपरेशन मिशन अमानत, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाल ही में कारपोरेट मामलों में, अच्छा कारपोरेट मामलों मतलब कारपोरेट एग्जिट, जो कंपनियां बंद हो गई हैं, अब बंद करने के लिए भी प्रोसेस लगता है, तो बंद करने वाला प्रोसेस लगभग 2 साल का था, उसको कम कर करके 6 महीने तक लाया है, ठीक है। तो जो 2 साल का प्रोसेस है कारपोरेट एग्जिट का, किसका, कारपोरेट एग्जिट का, उसके लिए एक सेंटर बनाया गया है और वो काम तेजी से हो सके, तो तेजी से जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड या बोलते त्वरित, तो एक्सिलरेटेड तरीके से एक सेंटर बनाया गया, सेंटर फॉर एक्सिलरेटेड, ठीक है, कारपोरेट एग्जिट, यानी कारपोरेट के एग्जिट के लिए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको यही बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सेंटर, सेंटर फिर फॉर, फॉर किसके लिए था, प्रोसेसिंग, किसके लिए, प्रोसेसिंग, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटेड, क्या है, एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड। अब सी से मैंने क्या बताया, कारपोरेट एग्जिट, ठीक है। अब इसके फुल फॉर्म से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कारपोरेट से एग्जिट हो रहे हैं उनके लिए यह बनाया गया है सी पेस पोर्टल। कौन सा पोर्टल है, सी पेस को विकसित किया गया है, ये एक सेंटर होगा जहां पे कारपोरेट एग्जिट हो सकेगा। 2 साल की चीजें कितने में हो जाएंगी, 6 महीने में हो जाएंगी। कहां पे खुला है ये, IMT मानेसर गुड़गांव, गुड़गांव हरियाणा। आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा कि इसमें दिल्ली लिखा है, नहीं दिल्ली नहीं है, कौन सी, अगर दिल्ली लिखा रहेगा तो उसके आगे NCR लिखा रहेगा, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन NCR दिल्ली। गलती से भी ये मत समझ लीजिएगा कि दिल्ली में है, हरियाणा में, बट NCR दिल्ली लिखा हो सकता है। तो ऑप्शन एक है GST फॉर्म की जटिलता दूर करने के लिए, ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर बी है निष्क्रिय कंपनियों को बंद करना, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है स्टार्टअप को प्रारंभ करने में सहायता, गलत। और ऑप्शन डी है भूमि अधिकरण के लिए पोर्टल, गलत। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। दिल्ली में ही चलाया गया था आब प्रहरी, वहां के जल जमाव को रोकने के लिए आब प्रहरी बनाया गया था IT दिल्ली के द्वारा। हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ कहां पे चालू किया गया है, मामा की नगरी, माँ अहिल्याबाई की नगरी, यानी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चालू किया गया है सीखो कमाओ योजना। 23 साल से लेकर, कितने साल से लेकर, 23 साल से लेकर 29 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, 29 साल के युवाओं के लिए, या बच्चों के लिए भी बोल सकते हैं, 29 साल के युवाओं, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए बनाया गया है कि इनको कुछ काम दिया जाएगा, कुछ सिखाया जाएगा और कुछ कमाई भी होगी ताकि वे आत्मनिर्भर बने, क्या बने, आत्मनिर्भर बन सके। अच्छा आत्मनिर्भर बनेंगे तो कितना रुपया दिया जाएगा, 8,000 भी दिया जा सकता है, 10,000 भी दिया जा सकता है, जितना भी दिया जा सके, ठीक है। तो 23 साल से लेकर 29 साल तक, ये 23 नहीं है, ये है 18, 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक, ठीक है। और जो महिलाओं के लिए लाडली योजना चलाई गई थी वो कब तक चलाई गई थी, वो 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की लड़कियों के लिए चलाई गई थी। अगर आप 23 साल की हैं तब भी आप लड़की हैं, आप 60 साल की हैं तब भी लड़की हैं, लेकिन जो लड़के हैं वो 18 साल से लेकर 29 तक है, उसके बाद वो लड़के नहीं रह गए, ठीक है। तो ये चलाई गई है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, यानी मध्य प्रदेश में मामा जी की नगरी मध्य प्रदेश में इसको लगाया गया है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है। आगे देखते हैं नमामि गंगे योजना, इसकी डेट देख लीजिए, डेट पूछा जा सकता है, कब इसको चालू किया गया था, 10 जुलाई 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना, सबसे ज्यादा खाते खोले गए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना में, कब इसको चालू किया गया था, 28 अगस्त सन 2014 को। इसके बाद मेक इन इंडिया, 15 सितंबर को होता है जुगाड़ू दिवस, जुगाड़ू दिवस मतलब
इंजीनियर डे, 16 जून को होता है ओजोन डे। अच्छा, इंजीनियर डे के दिन कुछ ऐसा डे करना चाहिए था ना, बट उसके 10 दिन बाद, ठीक है, आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, उसके 10 दिन बाद 25 सितंबर सन 2014 को लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया मिशन इंद्रधनुष, जो कि टीकाकरण के लिए चलाया गया था, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, चेचक, इन सभी बीमारियों के लिए था। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 25 दिसंबर सन 2014 को, ठीक है। तो ये डेटे आप याद रखिएगा। हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट, अब क्या हो रहा है कि आप किसी भी शहर में जाते थे, मॉल घूमते थे, ठीक है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें देखते थे, सड़क देखते थे, यही सब देखते थे ना, तो अब उस लिए जो धार्मिक पर्यटन थे, मंदिर थे, उनको भी एक कॉरिडोर बना दिया जा रहा है, ताकि आप वहां जाइए, मॉल की तरह सामान भी खरीद सकते हैं, आसपास घूम भी सकते हैं, मतलब पूरा एकदम टूरिस्ट प्लेस बना दिया जा रहा है, ठीक है। तो धार्मिक पर्यटन सर्किट कहां विकसित का समझौता किया है? तो असम में बनाया जा रहा है। अच्छा, असम में नदी कौन सी बहती है? तो असम में नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, वहां के जो भी धार्मिक प्लेस है उनके लिए बनाया जा रहा है। तो कहां पर? ये असम में, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य कब तक का है? तो पहले था 2022, काम हुआ नहीं हुआ, अब इसको चेंज करके लाया गया 2024, ठीक है। आगे देखते हैं, सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य था 2022, काम हुआ नहीं, फिर टारगेट क्यों बना रहे थे भाई, इसको टारगेट चेंज करके 2024 किया गया, काम होगा कि नहीं अब आगे देखेंगे, अब भविष्यवाणी थोड़ी करेंगे, बाबा थोड़ी है। इसके बाद भारत द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया है? 2070 में, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब है? 2030, और भारत द्वारा कब है? तो ये भी है 2070 तक, इसको याद रखिएगा, जो भी टारगेट बताते जा रहा हूं, क्योंकि सब एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब तक है? तो 2047 तक है कि भारत जो है वो ऊर्जा स्वतंत्र बनेगा, 2047 तक है, ठीक है। आगे देखते हैं, सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, नाम क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, यानी गांव से गाड़ी चलेगी, या तो ब्लॉक पे जाएगी या तो शहर जाएगी। अब गांव टू गांव तो घुमाया नहीं जाएगा ना, इतना तो पॉसिबल नहीं है, तो गांव से चलेगी या तो ब्लॉक पे जाएगी या तो शहर में जाएगी या तो उसके मतलब मेन साइड सिटी में जाएगी, ठीक है। तो ये चलाया गया है झारखंड के द्वारा। झारखंड किस राज्य से कटा हुआ है? झारखंड कटा है बिहार से। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को बनाया गया था झारखंड, ठीक है। आगे देखते हैं, आज का रिवीजन कर लेते हैं कि $82 मिलियन जो कि 11.5 वर्ष की अवधि के लिए लोन मिला है, किसने दिया है? विश्व बैंक ने। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है, सिद्धारमैया, डीके सी कुमार, ओ ये गलती से आ गया। हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने CPSO किस उद्देश्य से प्रारंभ किया है? तो निष्क्रिय कंपनियों को बंद करने के लिए। NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन ध्वस्त। 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है। चक्रवात जो आया था मोचा, उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन करुणा लोगों को बचाने के लिए। सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहां चलाई गई है? झारखंड में। सागरमाला परियोजना का नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहां बनाया गया? असम में। कल सवाल पूछा था मैंने कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी। किसको किया गया? डॉक्टर मनोज सोनी को किया गया है अध्यक्ष पद पर नियुक्त। और इनका कार्यकाल क्या होता है? या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए उसी में इनको निपटा दिया जाएगा। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो आज का ये क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और आज का मोटिवेशनल कोट जो है वो है, जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना,
जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल को, ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल को, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग, पढ़ते रहिए, बड़ों की इज्जत करिए, छोटों को भी प्यार दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।